सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बारी आ गई उन सब लोगों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है या 11 तारीख है या 20 तारीख है या 29 तारीख है किसी भी महीने की। अभी तक जो नंबर्स मैं कवर कर चुकी हूँ उसमें आई थिंक आई हैव कवर्ड 3, 4, 6, क्योंकि रैंडमली पकड़ रही हूँ, रैंडमली डाल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो गया या मेरा क्यों नहीं हुआ, पहले उसका कर दो पहले इसका कर दो, तो ऐसे वाले कमेंट्स प्लीज़ हाथ लिखा करो। मेरा ऑब्वियसली इंटेंट रहता है कि मैं सभी की हेल्प करूँ। अब वो रैंडमली मैं सुबह उठती हूँ, पर्ची निकालती हूँ कि चलो जी आज किसकी बारी है, तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, बहुत दिल से आपके लिए हर एक वीडियो बनाती हूँ। बहुत दिल से खुशी होती है एज अ क्रिएटर जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं और सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, क्योंकि आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत बेशुमार, कहते हैं ना, कीमती है और बहुत ही एक एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलती है और ये लगता है कि हाँ जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद ज़रूर कर रहा है। थैंक यू इन एंटिसिपेशन। अब हम बात करते हैं आप सब लोगों की 2024 कैसा रहने वाला है। अगर हम 2024 की बात करें तो इसमें है 2 बार 2, 1 बार 0 और 1 बार 4। जैसे मैंने अक्सर कहा, 2 बात करता है मून एनर्जी की, चंद्रमा की, 0 बात करता है बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स की, फुल सर्कल की, 4 बात करता है राहु की, सडन यानी दिमाग की क्या उपज है, और इसका टोटल बनता है यूनिवर्सल ईयर नंबर 8, और 8 बात करता है सैटर्न की। अब नंबर 2 के साथ क्या सिचुएशन है? अब नंबर 2 और नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं जनरली, क्योंकि 2, 11, 20 और 29 सब में नंबर 2 आता है, तो नंबर 2 और नंबर 8 में आपस में क्या तालमेल है, किस तरह का व्यवहार है इन दोनों का एक दूसरे के प्रति? तो 2 नंबर रूल कर रहा है चंद्रमा से, मून से, 8 रूल कर रहा है सैटर्न से, शनि से। दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन डेफिनेटली है। जो सैटर्न है ना वो मून के लिए न्यूट्रल है, लेकिन जो मून है वो सैटर्न के लिए न्यूट्रल नहीं है। मून को सैटर्न का एनिमी में माना जाता है क्योंकि चंद्रमा को शनि से प्रॉब्लम है। अब दोनों के दोनों नो डाउट अट्रैक्टेड रहते हैं। सैटर्न हमेशा शनि यानी सैटर्न यानी नंबर 8 2 की तो हेल्प करेगा, लेकिन क्या 2 नंबर उससे हेल्प लेगा? 2 नंबर हेल्प तो लेगा, और क्या 2 नंबर हेल्प करता है 8 की? 2 नंबर हेल्प नहीं करता, करता है सिर्फ मुंह से बोलने में, बातों से, व्यवहार से, लेकिन प्रैक्टिकली 2 नंबर 8 की हेल्प नहीं करता। 2 एक इमोशंस की एनर्जी है, वो ना ममता वाली एनर्जी है, भाव वाली एनर्जी है, और वो बड़ी जल्दी से नर्वस हो जाती है। तो स्पेसिफिकली फुल मून के टाइम में आप देखेंगे 2 नंबर वाले इम्पैक्ट ज़रूर होंगे। अब चाहे 2 को बॉन्ड हो, 11 को हो, 20 या 29, आप लोग ज़रूर फुल मून की एनर्जी से इम्पैक्ट होते हैं, और ऐसे में आपकी इमोशंस बहुत जल्दी से अप एंड डाउन जाती हैं। एंशियस हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, रोने लग जाओगे, अपने जोन में चले जाओगे, कुछ कहते हैं बिहेवियरल इश्यूज ज़रूर रहते हैं। और 8 जो है ना वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस है 8 के अंदर, और वो हमेशा कहता है कि मैं रेडी हूँ ना तेरी हेल्प करने के लिए। तो 8 जो है 2 का हाथ तो थामता है, तो इसलिए इस साल आपके पास 8 जो है आपका हाथ थामने वाला है, थाम रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ बी ग्रेटफुल, शुक्रिया करो, थैंक यू बोलो, क्योंकि जब आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो वाकई में वो अथॉरिटी आएगी और उसकी बदौलत काम बनेंगे ही बनेंगे। अब 2 नंबर वालों की अगर बात करूँ तो ये एक राजसिक गुण रखते हैं। 2 एक गिविंग एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। मून जो है फ्लक्चुएशंस, जैसे फुल मून एंड न्यू मून में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, चंद्रमा हमेशा एक सा नहीं दिखता ना, इसी तरह आपके व्यवहार में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, और इसी वजह से आप इम्पैक्ट होते हो। अदरवाइज आपकी पर्सनालिटी कमाल की है, आप कम अक्रॉस, जैसे हम आपसे बात करें 2 वालों से तो बड़ी अच्छे सी पर्सनालिटी दिखती है, बहुत प्यार वाली पर्सनालिटी दिखती है, वार्म्थ वाली पर्सनालिटी दिखती है, डायनामिक एनर्जी है, डेडिकेटेड एनर्जी है, एक्सप्रेसिव हो आप लोग इमेजिनेटिव बहुत हो, और बहुत चेंज भी हो जाते हो, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल भी आसानी से लेते हो। अब
नंबर टू और नंबर 20 बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांग मून की एनर्जीज हैं। द ओनली डिफरेंस विद 20 इज कि आपकी लाइफ में बहुत बार बहुत सी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमोशंस फुल साइकिल कंप्लीट करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में एज साइक्लिक आती हैं और आती ही रहेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझना ये है, आपको सरेंडर करना है, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। तो हर फुल मून पे, स्पेशली वो लोग जो 20 नंबर्स हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20th है, उनको ज़रूर ज़रूर फुल मून पे रिचुअल्स करने चाहिए, ताकि वो लेट गो करें और वो सेम चीज़ों को बार बार एज साइक्लिक फॉर्म अपनी लाइफ में ना एंटरटेन करें। दूसरी चीज़ ऑल्सो आपको ये करना चाहिए कि जैसे मैं फुल मून पे एक्टिविटीज़ डालती हूँ, न्यू मून पे एक्टिविटीज़ डालती हूँ, तो जब तक आप लोग ये नहीं कहेंगे इट्स ओके, हमें लेसन समझ में आ गया, वरना क्या होगा, आप एक तरफ से इमोशनली चीज़ों को डस्ट करके कारपेट के अंदर डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और वही सेम सिचुएशन दोबारा से साइक्लिक फॉर्म में फिर आपकी लाइफ में आएगी। इस बार पर्सन अलग हो सकता है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट एंड ऑफ द डे आपको लेसन जो है ना वो तो वही का वही मिलेगा। तो ऐसे में एडवाइस टू ऑल दोज 20 नंबर पीपल, सरेंडर एंड लेट गो। रिचुअल्स बहुत से डले रहते हैं, हर बार होते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस पे चले जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं आती हूँ, बारी आ गई नंबर 11 की। 11 नंबर तो मतलब आप तो बेताज बादशाह हो, मास्टर नंबर हो। अब मास्टर नंबर होने के नाते मतलब आपको ना एक अलग से स्पेशल वाली ब्लेसिंग्स है। आप बोलोगे मैम इतना तो इमोशनल रहते हैं, इतना तो सोचते हैं, आप जानते हैं आपकी इंट्यूटिव पावर्स आला दर्जे की हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, डाउनलोड्स आपके पास बहुत कमाल के होते हैं, आपको आभास हो जाता है चीज़ों का जब वो होने वाली हैं, किस तरह से क्या है, किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं, वो सब बातें आपको बहुत हेल्प करती हैं और आपको लाइफ में कहते हैं ना एक ऊपर वाले का सपोर्ट हाथ पकड़े हुए वो तो है ही है। तो आपने कुछ ऐसे बहुत प्यारे कर्मा किए हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई आप एज 11th किसी भी मंथ की डेट को पैदा हुए हो। कोई भी चीज़ आप इनिशिएट करेंगे वो चीज़ ज़रूर सक्सेसफुल होगी। तो इस साल में अगर आप चाहते हैं कुछ इनिशिएट करना, गो हैड एंड डू दैट, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। अब मैं आ जाती हूँ नंबर 29 पे। अब 2 और 9 ऑब्वियसली दो तो सेम एनर्जी हो गई चंद्रमा वाली, तो उसमें तो कोई मतलब है ही नहीं ना। आपको फुल मून न्यू मून रिचुअल्स करने हैं, फुल मून न्यू मून मेडिटेशन करनी है, चंद्रमा से बहुत सारी एनर्जीज लेनी है। एक चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है, ये जो आपके साथ 9 जुड़ गया है ना, ये आपको दो तरह के सिचुएशंस में लाता है। मतलब 9 इज़ अ गो गेटर एनर्जी एंड 2 इज़ अ कामिंग एनर्जी। तो यानी आप टिन के बर्तन की तरह हो, या तो बिल्कुल गर्म होगे तो बस इतने गर्म हो जाओगे, और जब ठंडे होगे तो आप इतना ममता से भर जाओगे कि कुछ पूछो नहीं। तो बस आपको इन दो एनर्जीज़ का ध्यान रखना है। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, यानी आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेसिमिज्म में नहीं जाना और एक्सट्रीम एक्टिव मोड में नहीं जाना, यानी आपको कहीं ना कहीं इस पूरे साल अपना बैलेंस बना के रखना है। वरना क्या होगा, जब वो 9 वाली एनर्जी, मार्स वाली एनर्जी, गो गेटर एनर्जी कई बार आपको बहुत ज़्यादा पीछे से पुश मारती है, वो एनर्जी हो सकता है आप बिना सोचे समझे या बिना ध्यान दिए आप वो एक्शन ले जाए और बाद में सोचे यार ये क्यों किया मैंने। तो इस साल के लिए 29 वालों को मैं यही कहूँगी, अपनी एनर्जी को एक जगह बैलेंस करके रखिएगा। चलिए जी, अब हम बात करने वाले हैं कि इस साल में मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हुई आप सबके लिए देख रही हूँ। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देख पा रही हूँ इस साल 2024 में आप सबके लिए। पहली, काफ़ी सारी विक्ट्रीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, 8 का सपोर्ट मिल जाएगा ना तो विक्ट्रीज़ तो हैं। दूसरी चीज़, बहुत नई नई पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हो, नई जॉब में जाना चाह रहे हो, नया घर बनाना चाह रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नया करना चाहते हो, सोचते हो पॉसिबल है कि नहीं, मे बी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, तो जब आप सोचते हो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, इस साल होगा पॉसिबल। हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने अंदर फेथ रखिए, अपने इंट्यूटिव पावर्स पे फेथ रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी का इजहार कीजिए, और हर न्यू मून पे अपनी एक नई इंटेंशन सेट करिए और उस इंटेंशन को कारगर होता हुआ देखिए। तीसरी चीज़, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज मत करना,
बहुत ज़्यादा मन से सोचना मत, मंथन बहुत ज़्यादा मत करना, बट मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आती हुई तो उनको ज़रूर से लेना और लेकर बेनिफिट लेना। चौथी चीज़, कोलैबोरेशन के थ्रू मॉनेटरी बेनिफिट्स दिख रहे हैं, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, जॉब में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, बट वो सब हो रहा है कोलैबोरेशन से। तो झिझकना नहीं, कोलैबोरेशन करना, साथ मिलकर चलोगे तो कहते हैं ना 1+1=11 बन जाते हैं, तो कोशिश करना क्यों ना हम 11 बन के काम करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे आपके अंदर कुछ फिटनेस रूटीन्स, आप नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं, नए तरीकों से कुछ फिटनेस को देख रहे हैं, मे बी खान पीन में चेंज ला रहे हैं, मे बी कोई अगर आप योगा करते थे तो शायद जिम करने लगे हैं, जिम करते थे तो योगा करने लगे हैं, कुछ नेचर से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उस तरह से आपकी लाइफ में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। अब 2024 को और प्रोडक्टिव कैसे आप सबके सब बना सकते हो? पहली चीज़, आपको अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज़ करना है। कौन से हैं वो? आपके अंदर भर भर के हैं, आपके अंदर डिप्लोमेसी इतनी प्यारी सी है कि आप बहुत एक अच्छे और प्यारे से इंसान हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना जानते हैं, ताकि आप किसी का बुरा भी ना सोचें, बुरा कहें भी ना, और वो चीज़ें प्यार से किसी से काम करवा भी लें। तो उन स्किल्स को अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि कोलैबोरेशन भी नज़र में आ रहा है, नई चीज़ें भी आ रही हैं, नया काम भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आपका डिप्लोमेसी को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, सोमवार के दिन व्रत रख सकें, बहुत अच्छा, व्रत नहीं रख सकते तो शिव मंदिर में जा सकते हैं, माँ शिव, माँ पार्वती और शिव जी और शिव परिवार, वहाँ पे माथा टेकें और जल चढ़ाएं, जल और अभिषेक करें और आएं। वो सब नहीं कर सकते तो सिंपली मन में विजुअलाइज करें, हर रोज़ ओम नमः शिवाय का पाठ करें या जाप करें, दैट इज़ गोइंग टू बी मैजिकली बेनिफिशियल टू यू। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको बैलेंस बनाना है काम में और रिलैक्सेशन में, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हैं, नया काम में घुसते हैं, नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, या हमें कहीं विक्ट्रीज दिखने लगती हैं, तो हम उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं या घुस जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वो बैलेंस टकमगा जाता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों में बैलेंस टकमगाए नहीं, आपको ध्यान रखना है दोनों का तालमेल बना रहे। तो ऐसे में आप जब अपना मंथ का प्लानर बना रहे हैं, उस प्लानर में डेट्स में डाल दीजिएगा कि इस महीने फलां फलां डेज को मुझे घर से बाहर परिवार के साथ जाना है, निकलना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जहां मैं नेचर से जुड़ रहा हूं, दोनों के बीच तालमेल बिठाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, फुल मून के दौरान आप कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। फुल मून के दौरान आप मेंटली बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो ऐसे में फुल मून पे कोशिश करिएगा कोई बहुत बड़ा वाला डिसीजन ना लें, ना दिल से ना दिमाग से। उस टाइम अपने आप को उन दोनों चीज़ों से दूर हटा के थोड़ा सा चेंज के लिए चले जाइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत देर तक किसी का इंतज़ार नहीं करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी कि वो आएगा तो ये होगा, वो आएगी तो ऐसा होगा, मैं वेट करता हूँ या करती हूँ, या मैं पेशेंटली देखता हूँ, आई एम श्योर होता होगा। लेकिन ऐसे में जब आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, आपका थॉट्स ट्रिगर होंगे, और वो जो थॉट्स ट्रिगर होंगे आपको बिना बात के लिए पेंसिव बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, और वो आपको वापस से पुश करेंगे उस नेगेटिव सोच की तरफ। अब हम बात करते हैं चलते चलते इम्पॉर्टेंट डेज कौन से हैं। आपके लिए लकी कलर्स हैं वाइट एंड पेल येलो। आपके लिए लकी डेज हैं मंडे एंड सैटरडे। आपके लिए लकी मंथ्स हैं फेब्रवरी, मई, सितंबर एंड दिसंबर। आपके लिए लकी नंबर्स हैं 1, 2 एंड 7। आपके लकी क्रिस्टल्स हैं मूनस्टोन, एक्वामरीन, एज्यूराइट एंड वाइट हाउलाइट। ये चारों में से कोई भी क्रिस्टल आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी लाइफ में इस साल स्टेबिलिटी और ज़्यादा फील करेंगे मेंटली। सो ये था हमारा फॉर ऑल दोज पीपल हु बॉर्न ऑन 2nd, 11th, 20th और 29th। अब ये नहीं कहना कि मैम आपने इसका ज़्यादा बोला, इसका कम बोला, इसका ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडिविजुअली सबके बारे में सुनना है, तो मैंने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑलरेडी वीडियोस की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, आप उन सीरीज़ को देख लीजिएगा, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंस किस तरह से है। सो अब हम आते हैं इसके बाद फ्राइडे को नेक्स्ट नंबर पर आती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगैन, गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। गॉड ब्लेस, नमस्ते।